सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कल मैं घूमने के लिए निकला था 27 तारीख के दिन, मतलब 26 की शाम को। और कल मैंने यूट्यूब पे कुछ पोस्ट भी अपलोड की थी, हमारे फ़ोटोज़ मेरे मैम के, है ना। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि सर व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ। तो वैसे मैंने कभी व्लॉग वगैरह बनाया नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है मुझे। फिर मैंने कुछ वीडियोस देखे व्लॉग के कि उसमें क्या बोलते हो, तो उसमें मैंने देखा कुछ नहीं है। हम हेलो गाइज, हम ये जो है चाट खा रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ऐसा वैसा। उन्होंने कहा अच्छा है ये इस तरीके से। तो फिर सोचा मैंने कहा कि चलो आपकी रिक्वेस्ट पे व्लॉग बना देते हैं। अभी मैं हूँ द्वारिका में, ठीक है। आज कल हम अहमदाबाद में थे, वो वाला व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज हम लोग हैं द्वारिका में, ठीक है। तो पहले तो अच्छा, आपको पीछे एक पिक्चर दिख रहा होगा, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अपने व्लॉग में दो चीज़ें होगी, मोटिवेशन भी होगा प्लस आपको जो व्लॉग वाला होता है वो भी, क्योंकि मेरे अंदर से मोटिवेशन निकलता ही निकलता है चाहे कुछ भी कर लो, अगर कैमरा सामने होता है तो। अभी हम हैं द्वारिका में। पहले मैं आपको थोड़ा सा होटल विजिट करवा देता हूँ। ये हमारा अभी 4th फ्लोर पर खड़ा हूँ और आप देख रहे हैं ये नीचे, मैं अभी हूँ 4th फ्लोर पर, ठीक है। और आपको मैं रूम विजिट करवा देता हूँ, उसके बारे में, इस पिक्चर के बारे में कुछ बताऊँगा आपको। देखो यहाँ पे एक पिक्चर लगा हुआ है, ठीक है, और भी कई सारे पिक्चर हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे इस तरीके से, है ना। वहाँ पे भी लगे हैं, देखिए। तो पहले मैं आपको रूम टूर करवा देता हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मेरा रूम है, ठीक है। वहाँ पे आप देख रहे हैं पास में ही वो भाई का रूम है, छोटे वाला भाई, है ना, वो और हम दोनों साथ में। और चलिए आ जाइए, आपको टूर करवा देते हैं, ऐसे करवाता हूँ रिवर्सन, अच्छा लगेगा। मेरा फ़ोटो तो आपने देख ही रखा है। तो ये हमारा रूम, वो छोटे वाले का। ओ मैडम भाग गए कम कैमरा देख के, शायद तैयार वैयार नहीं हुए होंगे। हो गई तैयार, अच्छा इधर आके बैठी है। हाँ तो फाइनली, हाँ चलो आज तो हेलो कर लो। हाँ ये हमारा रूम है पूरा, आपको यहाँ से मैं बता देता हूँ। ये यहाँ से हम इंटर होते हैं, इधर ये बाथरूम वगैरह है ना। और वैसे दूसरे व्लॉग में मैंने देखा ये अभी पूरा खोल के बताते, मैं नहीं बताऊँगा, चिंता मत करो, है ना। यहाँ पे कुछ ये सब चीज़ें रखी हुई है, जैसे कि नहाने के आइटम हैं, कॉम है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अब वो इसमें क्या बताऊँ यार आपको, रूम तो रूम ही होता है। हाँ लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बताने वाली है, इधर से आपको बता देता हूँ थोड़ा सा करके। ये एक और आ गया, देखो क्या हुआ रे, ये छोटे वाले का। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये शरद जो है ये आपका बेटा है, ये छोटे वाले का है, ये नाटकबाज है। बोल हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, थैंक यू, ढंग से बोल हेलो। इसके एक ही लाइन है, हेलो एवरीवन थैंक यू। अच्छा इस रूम से हम बाहर का भी नज़ारा देख सकते हैं, देखो ये पूरा द्वारिका दिखता है आपको यहाँ से, ठीक है। ये हमने रूम ऐसी जगह लिया है कि यहाँ से आपको पूरा द्वारिका दिखता है, यहाँ से। यहाँ हम 2 दिन रुकेंगे, ये देखिए आप पूरा द्वारिका इधर दिख जाएगा आपको। और द्वारिकाधीश मंदिर शायद दूसरी तरफ है, मैं आपको फिर बताऊंगा। तो ये पूरा द्वारिका आपको यहाँ से दिखता है, और फिर इस तरफ हम आ जाते हैं, तो इधर हमारा रूम, ठीक है। अभी हम तैयार होके जा रहे हैं, द्वारिकाधीश मंदिर जाएंगे। और अभी मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ बहुत अच्छी, ये इधर छोटे वाले का रूम इस तरफ, ये मनीष का रूम, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, सब नहा धो के तैयार। फिर से बोल हेलो एवरीवन। ये मनीष सर हमारे छोटे वाले भाई साहब। इसके बाद में यहाँ से भी पूरा आपको जो है दिख जाएगा द्वारिका, ठीक है। चलिए अब अपन अपने काम की बात पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर बताता हूँ, ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, है ना, क्या पिक्चर लगा है देखो आप। फिर एक और बताता हूँ, एक ये भी लगा हुआ है, और एक और बताता हूँ। ये मैं देख रहा था अभी आके, ये क्या लगा है पता है आपको, देखो ताला, एक पुराना घर है उसका ताला लगा हुआ है। अब इन्होंने इसको बोलते हैं ये पेंटिंग, मतलब या तो फोटो वोटो बना के और उसका इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया। लेकिन ये कहाँ किस जगह लगा है उसकी वैल्यू है भाई, 3 स्टार होटल में लगा है,
वाओ, अब कोई इसको देख के बोलेगा क्या बोलेगा, वाओ व्हाट अ पिक। अभी यही अपन अपने घर में लगा देंगे तो अपने रिश्तेदार आएंगे तो बोलेंगे कि ये क्या लगाया, बोले ये पिक है, फोटो है ना, ये क्या फोटो लगाया, थोड़ा कुछ हीरो हीरोइन का लगाते कुछ ढंग का है, कोई बड़े हीरो का, जबकि देखो अब यहाँ पे क्या इसकी जगह की वैल्यू होती है ना। देखो ये फोटो, इसमें बाद साहब जा रहे हैं दूध लेके, धोती वोती पहन के, तो कौन सा व्यक्ति कहाँ है इसका फर्क पड़ता है, किस जगह पे है। सभी लोग वही है, वही नाक कान मुंह सब वही है, बट फर्क किसका पड़ता है, पोस्ट क्या है, आप किस जगह पे है, आप क्या करते हैं। इसलिए हमेशा अपनी वैल्यू बनाने की कोशिश करें, कुछ आइडियाज़ लाने के लिए अपने माइंड को शांत रखें, माइंड शांत रखने के लिए प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा माइंड को काम करने की। और मैं आपको सच बताऊं कि जगह की वैल्यू होती है, हर इंसान मतलब किस पोस्ट पे है उसकी वैल्यू, इंसान की कभी वैल्यू नहीं होती है, बस वो क्या करता है, उसके पास क्या है, है ना, और इसके अलावा उसका बिजनेस क्या है, पेशा क्या है, किस जॉब में है, ये सारी चीज़ें मैटर करेगी। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो कहीं ना कहीं लोग वैल्यू नहीं करेंगे। अब यही जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये पिक्चर अभी हमारे घर होता और हमारे रिश्तेदार आते, देखते हैं क्या फ़ोटो लगाए, ये बात साहब धोती पहन रखी है वो भी गंदी सी है, दूध लेने जा रहे कुछ भी लगा देते हो, और यहाँ लगाए वाओ व्हाट अ पिक, मज़ा आ गया, बात समझे आप मेरी, बस ये है। तो हर व्लॉग में आपको जो भी मैं आगे बताऊँगा एक मोटिवेशनल कॉट भी रहेगा और दोनों चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और हमेशा मुझे एक और बात अभी याद आ रही थी, मेरा छोटा भाई और हम लोग दोनों साथ में निकले, जब भी आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि जब आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो उस समय आपके अपने वाले जो हैं, जो आपके रिश्तेदार, आपके मतलब घर वाले जो होते हैं ना, मम्मी पापा भाई बहन, है ना, ये सब कहीं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते पीछे नहीं रह जाए। क्योंकि जब आप सक्सेस हो जाएंगे ना तो सफलता को इन्जॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास लोग होना चाहिए। अगर आपके पास सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए लोग नहीं रहेंगे ना तो लाइफ का मज़ा नहीं आएगा, आप समझे मेरी बात को। तो सफल अगर होना है तो सबके साथ होना है, घर वालों के साथ होना है, अगर वो साथ में नहीं रहेंगे ना तो वो, क्योंकि होता क्या है कि सेलिब्रेट करने वाला होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ यार मेरे बेटे ने कुछ करा, मेरे भाई ने कुछ करा, मेरा भाई मुझे ऐसा रखता है, मेरे पिताजी मुझे ऐसा रखता है, मेरा बेटा मुझे ऐसा रखता है, बहुत इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके जीवन में हाई वाइब्रेशन आती है। ओके एवरीवन, सो थैंक यू सो मच, आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये व्लॉग बनाया, कोशिश की, बताइएगा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो नेक्स्ट व्लॉग यहाँ से मैं अभी ये वीडियो अपलोड करूँगा, मोटिवेशन भी मिलेगा और थोड़ा बहुत आपसे मेरी बातचीत भी हो जाएगी, ठीक है। तो कल का व्लॉग भी मैं जरूर बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, मैं इसे बिना एडिट किए ऐसा कैसे पोस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन, कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। ओके थैंक यू सो मच।